नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बताएंगे कि सीएससी बीएलई को बहुत बड़ी गुड न्यूज है। दोस्तों अगर आप भी एक सीएससी बीएलई हैं और आपने भी ई श्रम कार्ड बहुत सारे बनाए हैं तो आपकी आज मौज आने वाली है। तो दोस्तों फिर से आज ई श्रम कार्ड वालों को फिर से जो कमीशन है वो मिली हुई है। तो दोस्तों ये कमीशन है 30/4/2022 को मिली है। दोस्तों आप इस कमीशन को कैसे चेक करोगे? दोस्तों ये कमीशन है दोस्तों आपको डीजीपी में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि हर बार जो कमीशन थी इस सीएससी ई श्रम कार्ड की वो हर बार डीजीपी में आई थी। दोस्तों इस बार कहीं दूसरी जगह आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, तभी इस वीडियो की पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल में बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, जिससे कि मेरी हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचता रहे। तो चलो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों सबसे पहले आना होगा आपको क्रोम ब्राउजर पर और आपको यहाँ टाइप कर देना होगा दोस्तों जैसे सीएससी लॉगिन। दोस्तों जैसे ही आप सीएससी लॉगिन करोगे वैसे आपके सामने एक इस तरह से एक इंटरफेस आपके सामने नज़र आएगा, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि आपके अगर पास सीएससी है तो आपको यहाँ पर जैसे इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जाना होगा दोस्तों। जैसे यहाँ पर दोस्तों मेरी आईडी है वो लॉगिन है, और जैसे ही आप इसको लॉगिन करोगे तो वैसे ही लॉगिन के लिए आपको आईडी पासवर्ड है वो आपको फिल करने के लिए बोलेगा। तो दोस्तों पहले से मेरी आईडी लॉगिन है तो मैं ओनली इस पर डैशबोर्ड पर ही जाऊँगा, ठीक है दोस्तों। जैसे ही मैं डैशबोर्ड पर क्लिक करूँगा वैसे ही मैं जो आईडी है मेरी उस आईडी का इंटरफेस है वो आपको देखने को कुछ इस तरह से मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से देख सकते हो। दोस्तों सबसे पहले मैं इस 3 डॉट पे जाकर अपने आईडी को जो डेस्कटॉप मोड पर है अपने ले लेता हूँ मैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपको कुछ पेज है वो दिखने लगेगा, जिस तरह से आपको कंप्यूटर में देखने को मिलता है उसी तरह से आपको मोबाइल में भी डेस्कटॉप मोड पर ले जाकर आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपका जैसे ही आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको थोड़ा सा ऊपर को स्क्रॉल करेंगे, और स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, जो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ रिसेंट ट्रांजैक्शन, ठीक है दोस्तों। तो इस बार की कमीशन है आपको यहाँ पर रिसेंट ट्रांजैक्शन में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों जैसे कि ऊपर को स्क्रॉल करेंगे, और स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों जैसे कि मैं अभी बहुत सारी ईकेवाईसी कर रहा हूँ तो उसका जो चार्ज करता है 5.34 रुपये हुआ, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों वहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा एक ऑप्शन ई श्रम कार्ड, ठीक है जी मेरी आईडी है दोस्तों, और उस आईडी को यहाँ पर दोस्तों ये डेट भी देख सकते हो 30/4/2022 को जो मेरा कैशबैक था वो मुझे मिला है। तो दोस्तों यहाँ पर कैशबैक कितना मिला है दोस्तों ये देख सकते हैं, 1331 रुपये मुझे ई श्रम कार्ड की फिर से एक जो कमीशन है वो मिली है। दोस्तों अगर आप भी एक सीएससी संचालक हैं और आपने भी ई श्रम कार्ड बनाए तो ज़रूर आप एक बार जरूर चेक करिएगा, आपकी कमीशन है 110% आई होगी। दोस्तों इस बार डीजीपी में नहीं आई है, इस बार इसकी जो कमीशन है दोस्तों आपको सीएससी के वॉलेट में ही देखने को मिलेगी। तो दोस्तों बिल्कुल ये मैं लाइव दिखा रहा हूँ, कोई मेरी फेक वीडियो नहीं है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो कर देना जैसे शेयर, दोस्तों सभी सीएससी बीएलई को ये गुड न्यूज है वो मिल सके। दोस्तों अगर आपके मन में कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो को करने में लाइक करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हो दोस्तों, प्लीज़ एक बार लाइक जरूर कर दे वीडियो को। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।